हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आइलेस प्लाजा। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 11 अगस्त आइलेस एग्जाम के बारे में। कल को आइलेस का एग्जाम है, तो आज की इस वीडियो में हम आपकी राइटिंग और रीडिंग में थोड़ी सी हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आपका एग्जाम कल है तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है, तो लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो कल को आपकी जो लिसनिंग और रीडिंग के मॉड्यूल के आंसर आपको जहां पर मिल जाएंगे एग्जाम होने के बाद, आप जहां पर आकर चेक कर सकते हो, आपके एग्जाम का रिव्यू मिल जाएगा। और अगर आपने स्पीकिंग अभी तक नहीं दी, और आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे क्यू कार्ड की, जो क्यू कार्ड ट्रेंडिंग में चल रहे होंगे, तो वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे राइटिंग के मॉड्यूल की। राइटिंग में मैंने आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड करवाए थे, जो कि मैं इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड करवा रहा था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते, तो आपके लिए आज जो राइटिंग के टेम्पलेट हैं हम प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं टेलीग्राम पर। तो चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक वर्क नहीं करता तो आपने आइलेस प्लाजा सर्च कर लेना है टेलीग्राम पर आकर, और जहाँ से ऊपर हमने जो यहाँ पर टेम्पलेट शेयर कर दिए हैं टास्क टू के हैं, और एक बार अपने ट्रेनर से श्योर कर लें कि ये यूज़ करें या ना करें, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि आपका स्कोर है जो स्टक हो जाता है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन बताई गई है कैसे लिखनी है, बॉडी पैराग्राफ को कैसे स्टार्ट करना है, पीपी टू को कैसे स्टार्ट करना है, एग्जाम्पल के लिए कौन सा कनेक्टर यूज़ करना है, और आपका जो कंक्लूजन के लिए क्या करना है। आगे है, ये था आपका डिस्कस बोथ व्यूज एंड ओपिनियन का। इन्होंने ओपिनियन के केवल दो बीपी ही बनाए हैं, और कई बच्चे मतलब कि तीन बीपी बनाते हैं। अगर आपने इसको फॉलो नहीं करना तो आप ना करें, तो क्योंकि इन्होंने जो अपना ओपिनियन है वो शायद मुझे लगता है कि, तो देख लेना आप कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ज़्यादातर बच्चे तो तीन बीपी बनाते हैं ओपिनियन वाले ऐसे के। तो आगे है आपका व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री, तो ये भी काफ़ी, इसके इन्होंने तीन बना दिए। आगे है आपका एडवांटेज, मतलब कि ये आपके लिए हेल्प कर सकते हैं, एक बार ट्रेनर से श्योर कर लें कि यूज़ करें या ना करें, अगर आपको राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं आपके रीडिंग के मॉड्यूल की। रीडिंग का एक पैसेज जो कि टफ आता है, टफ नहीं कह सकते, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसके लिए एक दो पैसेज की प्रैक्टिस आप इस पीडीएफ से कर लो। ये आइलेस फीवर की रीडिंग है, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है, टफ रीडिंग होती है और विद आंसर रीडिंग प्रोवाइड करवाई गई है, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपने स्ट्रेस नहीं लेना। कल आपका एग्जाम है, एक दो पैसेज कर लो, आपके लिए इनाफ है, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा अगर आपके स्कोर अच्छे आ जाते हैं। वैसे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी इनका जो रीडिंग पैसेज नहीं होने वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंटेंट है, ये जो मटेरियल है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।